Federation of Resident Doctors Association has written now to the Union Home Minister Amit Shah regarding nationwide halting of elective services in hospitals in solidarity with R.G. Carr Medical College residents from today, 12th of August. In their letter, FORDA has listed five demands: expeditious acceptance of residents' demands, resignation of all responsible authorities, which include principal, MSVP, Dean, HOD of Pulmonary Medicine, ACP of R.G. Carr MCNH, police outpost, who all could not perform their duty. No police brutality, swift justice and security protocols for health workers and formation of expert committee. These are all demands listed out by the FORDA. Renik Dutta is joining us for more on this story. The FORDA now writing to the Union Home Minister as well, Renik. एक्जिबिट देखिए पूरा घटना जो है इस घटना को लेकर पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है और आरजी कॉल का ये घटना जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बयान दिया जा रहा है उसमें तो साफ है कि एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है क्योंकि जिस तरीके से आरजी कॉल में प्रोटेक्शन रहता है सिक्योरिटी रहता है उस सिक्योरिटी तोड़कर किस तरीके से संजय रह के जैसे एक सिविक वॉलंटियर जो ऑफ ड्यूटी था वो किस तरीके से अंदर घुस पाए कोर्ट में वो पहुंच गए सेमिनार हॉल में वो घुसे ये पूरा क्राइम कंडक्ट किया उसके बाद वापस चला आया ये जो पूरा सिचुएशन इसके बाद पुलिस की तरफ से जो लापरवाही दिखा गया था डेड बॉडी लगातार 10 घंटे के ऊपर डेड बॉडी पड़ा हुआ था उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया और पुलिस की तरफ से पहले कहा गया था कि सुसाइड का मामला है उसके बाद रेप एंड मर्डर चार्जेस लगाया गया ये जो पूरा घटना देखते हुए यूनियन होम मिनिस्टर को ये चिट्ठी भेजा गया है कि ये जो पूरा मामला ये पूरा मामले के ऊपर केंद्र सरकार का नजर होना चाहिए क्योंकि पहले भी दिखा गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से यानी सुशांत मजुमदार की तरफ से जो कि बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है उसकी तरफ से जेपी नड्डा को भी चिट्ठी दिया गया था कि ये पूरा मामले का जांच सेंट्रल की तरफ से किया जाए सेंट्रल के एक कमेटी गठन किया जाए उसी के तहत और आज भी होम मिनिस्टर के पास ये चिट्ठी भेजा गया है जिसमें एक ही क्लेम किया जा रहा है कि ये जांच होना चाहिए एक सेंट्रल कमेटी तैयार करके इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ हो सकता है क्योंकि जिस तरीके का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और जिस तरीके का प्रोटेक्शन होते हुए भी इस तरीके का घिनौना हरकत किया गया है इस तरीके का घिनौना क्राइम किया गया है उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है पुलिस की तरफ से ये केस का अभी तक कोई किनारा नहीं किया गया पुलिस की तरफ से जो पूछताछ किया जा रहा है वो भी 3 दिन बाद पूछताछ किया जा रहा है इस तरीके का जो हरकत हो रहा है इसी पॉइंट को सामने रखते हुए सेंट्रल जो सेंट्रल की तरफ से एक कमेटी तैयार किया जाए इसका अपील बार बार से सभी की तरफ से रखा जा रहा है My colleague has also filed ground reports from Delhi AIIMS hospitals. They've spoken with protesting doctors as well. Let's quickly play those ground reports out. मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के एम्स के बाहर में आप ये देखेंगे जो मेडिकल स्टूडेंट हैं मेडिकल छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं जितने भी डॉक्टर्स हैं चाहे भारत के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल्स को सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कॉल बुलाई थी आंदोलन के लिए और वो आज आंदोलन कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि डॉक्टर्स के साथ में जिस तरीके से हैवानियत बरती गई है कलकत्ता में उस तरीके की हैवानियत कभी दोबारा ना हो उस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो इसकी कोशिश की जानी चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त की जानी चाहिए हॉस्पिटल्स में जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो है व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए ताकि उनके साथ में ऐसी कोई घटना ना हो डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात है कुछ छात्र हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग अरे वेस्ट बंगाल एक लेडी के डॉक्टर में नाइट शिफ्ट में रेप हो गया उसको प्रॉपरली जस्टिस नहीं मिल रहा है उसको क्या हो गया लोग को नहीं पता चल रहा है फिर नॉर्मली हम 5 साल एक लेडी है उसको सारे ड्रीम्स है डॉक्टर के सारे को सर्विस करना है 5 साल MBBS पढ़ते हैं 3 साल JR सारे पढ़ते हैं नाइट शिफ्ट करके डॉक्टर्स को लोग को सर्विस कर रहे हैं उसके साथ ऐसे हो गया हम कैसे कंट्री में जी रहे हैं मतलब हमको प्रॉपर जस्टिस चाहिए उसके साथ क्या हो गया फ्यूचर में हमको सेफ्टी चाहिए क्या हम भी नाइट शिफ्ट करते हैं सारे लेडीज अब भी हमारे बैच में बहुत लोग लेडीज़ है मेनली डॉक्टर्स में मेनली लेडीज़ होते हैं और रात में भी नाइट शिफ्ट में भी बिना सब फैमिली छोड़ के हॉस्पिटल में आके सर्विस करते हैं उसके प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है CCTV फुटेज नहीं है क्या हो गया अभी हो गया उसको जस्टिस भी नहीं मिल रहा उसको प्रॉपर शिक्षा भी नहीं मिल रहा वी वांट जस्टिस आप लोग किस तरीके की दिक्कत झेलते हैं जैसे डॉक्टर्स रात में आप लोग जब काम करते हैं तो किस तरह की दिक्कतें होती हैं दिक्कत नॉर्मली प्रॉपर अच्छे से रूम्स प्रॉपर सेफ्टी उधर सिक्योरिटी होनी चाहिए हर वार्ड पे प्रॉपर रूम्स होनी चाहिए सेफ्टी के लिए रूम्स होने चाहिए जैसे और क्या क्या डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है मतलब सोने के लिए रूम्स नहीं है अच्छे से लाइक खाने के लिए कुछ मतलब बाहर से ऑर्डर करना होता है रात 12 बजे 1 बजे को उसी लिए तो बाहर आना ही पड़ता है तो यही है प्रॉब्लम्स हमारा मेनली मतलब हमारा सिक्योरिटी अच्छा नहीं है
यही इंसिडेंट देख लो, सेमिनार रूम, एक सेमिनार रूम में वो रेस्ट करने के लिए गया, ये हो गया, प्रॉपर रूम है, रेस्ट रूम अगर होता तो इससे घटना ना, अच्छा रूम होगा, उसके सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए, बाहर लोग कोई भी आ सकते थे, उसका क्या फायदा है? सुन रहे थे ये डॉक्टर्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, और ये इनका साफ कहना है कि अगर जो डॉक्टर थी वो उनके रेस्ट के लिए प्रॉपर एक रूम होता तो इस तरह की घटना जो है वो ना होती। और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, उन सबसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह की घटना। आप डॉक्टर हैं, यहाँ यहाँ पढ़ते हैं आप, क्या दिक्कत एम्स में आप लोग आज कर रहे हैं, क्या क्या डिमांड लेकर के आए हैं आप लोग? उनको पूछ लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। So this has been an incident which has been what has happened in West Bengal. It's a truly tragic story. We want better protection to all our female doctors, especially in our small civic hospitals, and wherever they need to give all the possible facilities and security to our female doctors. So that will be our major issue. सुन रहे थे डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रिज की जाती है, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती है, उसकी जो पुष्टि है वो होनी चाहिए कि किसी तरीके की जो कोई प्रॉब्लम्स हैं हॉस्पिटल से वो ना हो। आप लोग यहाँ पढ़ते हैं वैसे, आप लड़की हैं, डॉक्टर हैं, अकेले कैसे जाती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोलकाता में हुआ वो अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए जस्टिस चाहिए। हम वही डिमांड्स के लिए सभी लोग स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे, सभी सारे रेसिडेंट्स सभी स्ट्राइक पे इसलिए आए हैं ताकि उनको जस्टिस मिले, और हम फीमेल डॉक्टर्स के लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यहाँ पे उसके लिए उस सुरक्षा के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स को आपने सुना कि किस तरीके से इनका कहना है कि जिस तरीके की घटना कलकत्ता में हुई है, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, डॉक्टर्स की सुरक्षा की पुष्टि की जाए, उनके लिए प्रॉपर रेस्टरूम हो, ताकि जब डॉक्टर्स 24 घंटे की नौकरी करने के बाद जब अपने रेस्ट करने के लिए कहीं जाएं, तो उनको एक अपना निजी कमरा, अपना एक पर्सनल सिक्योर जो कमरा होता है वो मिल सके, जहां पर कोई बाहरी तत्व जाए वो ना जा सके, और इस तरह की घटना ना। Meanwhile, DCP North Abhishek Gupta has shared more details. Let's listen. बड़ा बताया गया कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है, कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं, जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है, इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है, तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन।